अगर किसी तरह से आप ऐसे प्रवेशों के आड़ में दादागिरी करोगे, धमकियां दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी यह पक्ष डरने वाला नहीं। आपने किस जगह पर यह भी विधान किया है कि उल्लासनगर को यूपी बिहार बना देंगे, तो आपको कालानी परिवार को यह संदेश अपने मन में रखना चाहिए कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के लिए दो ही चीज रखी है, या तो उनकी जगह जेल में है या तो उनको मिट्टी में मिला देना है। इसीलिए आपको लोकतंत्र तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए। अगर इस तरह की अगर आप बातें करोगे तो इसका खामियाजा ना आपने भूतकाल में भी भुगता है और आगे भी भुगतेंगे, ये मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं। शहर की जनता को मैं हाथ जोड़कर विनंती करना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि ये सब लोग पप्पू कलानी को तड़ीपार करवाना चाहते हैं इस शहर से। और मैं आज खुलासा करूंगा कि इनकी सरकार के कुछ अधिकारी मिलकर पप्पू कलानी का एनकाउंटर भी करना चाहते हैं। हमारी खबरें हमारी पहचान। देखिए जो हमारे जो नगर सेवक है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, एक नगर सेवक है। उनके पिताजी स्वर्गीय नारायण पंजाबी जी जो 4 से 5 टाइम नगर सेवक थे, बहुत निष्ठावंत थे हमारे कलानी परिवार के। भाजपा का महापौर गिराने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। शिवसेना को महापौर बिठाने के लिए हमारे प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर वो काम कर रहे थे। ओमी कलानी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। आज वो स्वर्गवास हो गए हैं। जब उनके लड़के ने भाजपा में प्रवेश किया तो मुझे मेरी अंतरात्मा पर एक प्रश्न आया कि नारायण पंजाबी जी की आत्मा को उनके लड़के ने ठेस पहुंचाई है। वो भाजपा के कट्टर विरोधी थे, वो भाजपा के कट्टर विरोधियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के खिलाफ रहे हरदम जीवन भर। जीवन के आखिरी सांस तक नारायण पंजाबी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा अलायंस था हमारी पार्टी का, उस वक्त पर भी वो जोरदार तरीके से विरोध कर रहे थे, हम उनको समझा रहे थे। फिर ओमी कलानी जी ने उनको टिप्पणी चेयरमैन भी बनाया था, उनकी धर्मपत्नी दीपा पंजाबी जी को। उनको 5 बार चुनाव का टिकट भी दिया था, चुनाव जीत कर भी आए थे। कलानी परिवार का गढ़ माना जाता है उनका वार्ड। और आज उनके लड़के हमको छोड़कर चले गए हैं। नारायण पंजाबी जी की आत्मा को उनके बच्चे ने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है और उनकी जो आत्मा है वो आत्मा क्या बोल रही होगी आज, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही होगी कि मेरे बच्चे ने कलानी परिवार और ओमी कलानी से गद्दारी की है और गद्दारी करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो हमारे नगर सेवकों के घर पर जाकर खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं। शहर के नागरिकों, ये वही पप्पू कलानी है जिसने इस शहर को बचाने की मुहिम ली है। शहर के नागरिकों, व्यापारियों, ये वही ओमी कलानी है जो व्यापारियों का रक्षक है, इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। ये खरीद फरोख्त के धंधे में शहर के नगर सेवकों के घरों पर जा रहे हैं और पैसों की लालच दे रहे हैं। मुझे लगता है कि नारायण पंजाबी होते तो इस तरीके के नहीं बिकते वो कभी। नहीं बिकते नारायण पंजाबी जी कभी नहीं बिकते। और नारायण पंजाबी जी की भावनाओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनका बच्चा, उसे उल्लासनगर के राजनीतिक तौर पर जनता मुंह पर तमाचा मारेगी।
आने वाले मनपा के चुनाव में दिखेगा। जो स्वर्गीय नारायण पंजाबी जी ने जो कार्य किए हैं उनके 1% भी उनके लड़के ने काम नहीं किया है, पर जहां पर वो गए वहां पर सुखी रहो। पर आने वाले मनपा चुनाव में पिंकी कलानी वहां पर चुनाव लड़ेंगे। ये खरोद फिरोद के धंधे में प्रदीप रामचंदानी जो है, खरोद फिरोद का धंधा किसको बोलते हैं वो तो शहर के नागरिक जानते रहेंगे। आज वैसी भाजपा ने हालात की है, पैसे के बदौलत चुनाव जीतना चाहते हो तो उसकी हालात तुम्हारी बहुत खराब होगी। शहर की जनता ने मन बना लिया है कि हमको सुरक्षा, हमें रोड, हमें सड़कें, मूलभूत सुविधाएं ये सब चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए ऐलानी के। और इस खरीद फिरोद के धंधे में जो भी उनके पास जाएगा जनता उनको माफ नहीं करेगी। जनता वोटों के माध्यम से उनको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। अमृत जी, उनका ये भी कहना है कि नारा धमका के कुछ कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग ये लोग आपराधिक होने की वजह से लोग इनके पास नहीं रुक रहे, हमारे पार्टी पर प्रवेश कर रहे, ये हमारा निश्चित होगा। क्या कहना आपको इस पर? देखिए, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर किसी को डरा धमका कर नहीं किया जाता। प्रदीप रामचंदानी कह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार बना देंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार, पप्पू कलानी और ओमी कलानी का बहुत गहरा नाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के सिंह परिवार हो, राय परिवार हो, ठाकुर परिवार हो, यादव परिवार हो, वो पप्पू कलानी और उनके दिल के संबंध है। उत्तर प्रदेश और कलानी परिवार का दिल का नाता है, बिहार और पप्पू कलानी का दिल का नाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश और बिहार को अपना आइडल मानते हैं तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि विकास हुआ है वहां पर। और उत्तर प्रदेश के लोगों को आपराधिक साबित करना यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा है तो वह गलत तौर पर बात कर रहे हैं उन लोग। और कल जो प्रदीप रामचंदानी ने कहा है, चेतावनी दी है, ऐसा मीडिया में मैं देख रहा हूं कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसको जेल में जाना पड़ेगा या पप्पू कलानी को मिट्टी में मिटा देंगे। मैं यही कहूंगा कि इन लोग इनकी सरकार का दुरुपयोग करके शहर की जनता को मैं हाथ जोड़कर विनंती करना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि ये सब लोग पप्पू कलानी को तड़ीपार करवाना चाहते हैं इस शहर से। और मैं आज खुलासा करूंगा कि इनकी सरकार के कुछ अधिकारी मिलकर पप्पू कलानी का इनकाउंटर भी करना चाहते हैं और इनकाउंटर करके शहर के हालातों की कानून व्यवस्थाओं को हालात बदलना चाहते हैं। और यदि पप्पू कलानी जी को तड़ी पार किया, यदि पप्पू कलानी के ऊपर, पप्पू कलानी जी के ऊपर एनकाउंटर करने की कोशिश की, आज ही हम एक शिष्टमंडल जाकर, मैं सुबह आदरणीय सीपी साहब को मिलकर आया हूं कि हमारे ऊपर खोटे केसेस करने का काम ये करने जा रहे हैं और पप्पू कलानी जी का फेक एनकाउंटर करके आज ही मैं पंचम कलानी जी के लेटर पैड पर अभी मैं फैक्स करने वाला हूं। राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को कि जिस तरीके से प्रदीप रामचंदानी कह रहे कि मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारे आमदार ने 5 साल क्या काम किया पहले वो बताओ। पप्पू कलानी को मारने की साजिश, पप्पू कलानी साहब को मारने की साजिश जो की जा रही है शहर की जनता में, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने 5 सालों तक कुछ काम नहीं किया। आइलानी ने 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बना लिया एक लोनावला में, बड़े बड़े रिसोर्ट के काम किए भ्रष्टाचार के माध्यम से, पर जब जमीन सड़क की दिख रही है तो हमारे नगर सेवकों को खरोद फिरोद का धंधा कर रहे हैं। और यही नहीं, पप्पू कलानी जी को तड़ी पार करके उनके एनकाउंटर करने की कोशिश करने की एक बड़ी साजिश उन्होंने रची है। इसके लेटर में पंचम कलानी के माध्यम से चुनाव आयोग और वहां के पुलिस आला अधिकारियों को हम देंगे
क्योंकि प्रदीप रामचंद्रानी ने कहा है उनको मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश और कालानियों का जो नाता है वो बहुत पुराना है। सिंह परिवार हो, ठाकुर परिवार हो, ये हमारे बहुत करीबी संबंधी लोग हैं। यादव जो लोग हैं, हमारे यादव परिवार के जो सदस्य उल्लासनगर में, उत्तर प्रदेश हम उनके घरों पर जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। पर प्रदीप रामचंद्रानी का जो बयान है, मेरे शहर के नागरिकों, ये पप्पू कलानी को शहर से तड़ी पार करके उनको एनकाउंटर करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले 20 तारीख को खरत विरोध के धंधे के दलाल लोग आपके बीच में आएंगे, आपको कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। पप्पू कलानी वही पप्पू कलानी है जिसने उल्लासनगर को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, गांव को उल्लासनगर बनाया। और आज पप्पू कलानी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, ओमी कलानी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। हमारी निशानी सुतारी पर जब आप लोग वोट करोगे तो ये शहर का चेहरा बदल देंगे। ये पैसे के जोरों पर, दहशत के जोरों पर, राज्य की सरकार के दबाव में, तंत्र में कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो ये शहर की जनता वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा।